आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन सेवन सीज में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष संजीव भारद्वाज की ओर से विभिन्न राज्यों से आए हुए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक चंद शर्मा उत्तर प्रदेश की ओर से कार्यक्रम में पहुंचे। अलग अलग राज्यों के पदाधिकारी का परिचय करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण महासभा की ओर से विभिन्न प्रस्ताव पास किए गए और सभी ने एकजुट होकर इन प्रस्तावों का समर्थन किया। ब्राह्मण महासभा का कहना था कि अयोध्या में निर्माणधीन भगवान श्री राम मंदिर के भीतर भगवान परशुराम की प्रतिमा को स्थापित किया जाना चाहिए। इस संबंध में वे पहले से भी संबंधित पदाधिकारियों और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं एवं व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को मिल भी चुके हैं। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक चंद शर्मा ने बताया कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर जब पूरा प्लान चेक किया तो पता लगा उसमें भगवान परशुराम की मूर्ति के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने इस बारे में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष को लिखा, उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री परशुराम की मूर्ति की स्थापना भगवान श्री राम मंदिर परिसर में जरूर है, इसके लिए चाहे कोई संघर्ष करना पड़े या फिर कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। एक हमारे हरियाणा में खाप चलती है, हरियाणा के साथियों ने तय किया कि हम लोग खाप के हिसाब से हम निर्णय लेंगे और उस कार्य उस संघर्ष में कोई भी व्यक्ति चाहे किसी खाप के नाम से करे चाहे राज्य के नाम से करे और मैं कहता हूँ चाहे व्यक्तिगत नाम से भी है, जो भी उसमें लगेगा हम उसका पूरी तरह से अभिनंदन करेंगे, उसको अपना सम्मान देने का काम करेंगे और पूरे देश के ब्राह्मणों से चाहे उसमें नौजवान है चाहे बुजुर्ग हैं चाहे साहित्यकार हैं चाहे हमारे सबका सहयोग लेकर हम इसे लड़ाई नहीं कहते, हम इसको सनातन धर्म की और भगवान परशुराम जी की हर हालत में वो ऐसी दिव्य आत्मा थी जो आज भी अराजर अमर है, उनकी वहां स्थापना होनी ही चाहिए। हम इसको आंदोलन संघर्ष नहीं कहते, ये हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानता है ब्राह्मण समाज और नैतिक जिम्मेदारी है कि उसकी स्थापना हो। अगर खाप बनती है तो कितने भागों में बनेगी, किस किस बरादरी का जो नाम है खाप में दिया जाएगा? ये जो आप खाप वाली बात, इस तरह से कहीं कुछ नहीं होगा कि मान लीजिए कहीं कौन सी खाप है या कुछ इस तरह से है, तो सब लोग केवल सामाजिक जो मामले हैं उनको निपटाने के लिए बनेगी और उस फिर लेकिन उनका समन्वय जो सबका वो राष्ट्रीय स्तर का होगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।